वेलकम बैक टू माई ट्रैवल व्लॉग। सो अभी हम लोग रूम से निकल जा रहे हैं, लाइक वी आर चेकिंग आउट राइट नाउ। इट्स लाइक नियरली 4 o'clock इन द आफ्टरनून। काफ़ी ठंडी है यहाँ पे, दी टेम्परेचर इज़ नियरली 9 or 10 degrees Celsius ओवर हियर। सो आई एम ऑलरेडी डन विथ माई जैकेट, आई वोन दैट। चेकआउट कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चाय पी लेते चलते, बहुत ही ठंडी है यहाँ पे। एंड माई मॉम इज़ लाइक वेरी कॉमन, उनको ठंड नहीं लग रही उतनी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। चाय इज़ वेरी मस्ट। नाना टिश्यू के साथ यू आर सैनिटाइजिंग द कैब सो दैट देयर ओनली एनी प्रॉब्लम। डैडी पूरा सैनिटाइज करें, ये सॉरी सैनिटाइज, लेकिन फिर से लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं एंड द वेलकम इज़ वार्म विद फ्लावर्स, सो अच्छा लगा। एंड सी अभी हम लोग चार अभी लाइक इट्स लाइक नियरली 8 o'clock, 8:10 हो रहा है टाइम, एंड वी आर गोइंग टू गोट अ कैब। डैड ने कैब बुक किया है ऑलरेडी। सो यहाँ से मुझे घर जाने के लिए लाइक वेयर आई एम गोइंग टू माई लाइक माई ग्रैंड फादर्स होम, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। नहीं यहाँ चाय कॉफ़ी हो गया दीदी, अब रास्ते में जो आ रहे हैं ना तो कम से कम 3-4 तो शादी मिल गया यार, हो रहा है सब, मुझे सब कुछ हिंदी में दिखाई दे रहा है एंड आई एम सेइंग यू। मैं नियरली 14-15 ईयर्स के बाद आ रही हूँ अपने होम टाउन में, और हमें यहाँ से अभी इस प्लेस से और नियरली 3-3.5 hours लगेंगे मेरे घर जाने के लिए, हमारे घर जाने के लिए। सभी कुछ खा लेते हैं, आपको अगर डेकोरेशन दिखा देती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा नॉर्थ इंडियन का फीलिंग आएगा। कल शो दैट इज़ द मैरिज दैट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये अंकल है हमारे साथ, दिस इज सो रॉयल मैन। The arrangements are so like dramatic, I can say. Everything is like in a village kind of, मतलब environment is created over here. It's like very beautiful. अब हम लोग lunch order कर लेते हैं, I mean sorry I forgot, dinner order कर लेते हैं and I'll show you the whole thing how it is. I'm excited actually. This is so beautiful here. तो यहीं पे पीछे ही, मतलब जैसे मैंने आपको बताया हॉल है, तो इन लोग मैरिज का पूरा अरेंजमेंट्स किया है, यू कैन सी इट बैक साइड, और ये रेस्टोरेंट एरिया आ जाता है। हेलो गाइस, हम लोग लखनऊ से 10-15 किलोमीटर और आगे आ गए हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो है चूल्हा चौका, हिंदी में इसका नाम है, तेलुगु में आई नो मुझे नहीं आता है। रश्मि आप सबको बताएगी, और रश्मि तो इतनी मस्त हो गई है फ़ोटो क्लिक करवाने में, इतने सारे फ़ोटो क्लिक कर रही, क्योंकि वो 14-15 ईयर्स के बाद यूपी आई हुई है, और जो है तो उसको बहुत मतलब एक्साइटेड है वो,
मैं तो आती रहती हूँ, लेकिन वो मतलब 14-15 ईयर्स के बाद आई है। वो बहुत एक्साइटेड है, हर एक मोमेंट को कैच करना चाहती है। मैं तो आप अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के मिलेंगे नॉर्थ के। और जो है आप लोग प्लीज़ गाइज, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। मतलब अभी मतलब स्टार्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा उसको जो है, और अच्छे अच्छे वीडियोस देगी। अभी आपको तो 4-5 वीडियो, मतलब 4-5 दिन हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। ट्राई करेंगे कि मतलब आप लोग को नया कुछ देखने को मिले जो है। थैंक यू, जस्ट केम टू नो कि ये जो प्लेस है हम लोगों ने जो विजिट किया है डिनर के लिए, क्या है इसका नाम? चूल्हा चौका। यस, आई जस्ट फॉरगेट दैट थिंग। सो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, लाइक बहुत सारी मूवी शूटिंग्स होती हैं, तो हम लोग मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टाफ से बात कर लेते हैं, दे विल एक्सप्लेन यू मोर बेटर वे। आप कभी भी लखनऊ से ट्रैवल करते हैं, सो डू विजिट दिस प्लेस। आई जस्ट टर्न द कैमरा टूवर्ड्स हिम, यू कैन जस्ट टॉक टू हिम एंड देन लेट्स। सो ही इज़ द वन। आपका नाम क्या है? हमारा नाम संदीप सिंह है। हाँ, तो भैया बताइए आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या, मतलब क्या क्या स्पेशल है? और यहाँ की बाटी चोखा काफ़ी स्पेशलिटी होती है मैम। ओके। हम लोग कंडे के आग पे बाटी बोलते हैं, चोखा हो गया अपना, हमें वेगन का होता है जो, और दाल हांडी नॉन वेज में भी है अपने पास। ओके। मटन हांडी, चिकन हांडी, प्रॉपर हम लोग हांडी पे बनाते हैं। ओके। हाँ, सारी चीज़ें अपने यहाँ से। फरा हो गया जो चावल के आटे का होता है, बीसवीं और चने की दाल, इष्टपोती काफ़ी अच्छा होता है। ओके। यहाँ सारी चीज़ें स्पेशलिटी हम लोग पत्थर और कुल्हड़ में खाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो वो तो सर्विंग पे हम लोग देखेंगे, आपको दिखा दूंगी। सो यहाँ पे यार डेकोरेशन इतना अच्छा है, आपने इंटीरियर इतना अच्छा कराया है, तो कुछ स्पेशल है क्या यहाँ पे? शूटिंग वगैरह होती है क्या? मैम शूटिंग होती है यहाँ पे भोजपुरी मूवी और हिंदी मूवी। ये एक अजय देवगन की शूटिंग हुई थी, रेड मूवी जी। ओके। इसमें जॉन अब्राहम की शूटिंग हो रही है, सतमेव जयते 2। ओके फाइन। ओ गाइस, लाइक यू वुड हैव रियली नोन अबाउट दिस वन। सो थैंक यू सो मच संदीप, आपने हमारे साथ जो शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं विश करती हूँ कि जो भी लखनऊ आएगा और यहाँ पे जाएगा, यहाँ रोज से ये ज़रूर आएगा यहाँ पे आपसे। थैंक यू सो मच। हर्ड राइट, सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग यहाँ पे हो रही है ही सेड। तो आई वॉज लिटरली लिटिल बिट लाइक नर्वस टॉकिंग टू हिम, बिकॉज आफ्टर 14-15 ईयर्स लॉन्ग टाइम आई केम टू दिस होम टाउन, आई मीन आई कैन से माई हिंदी प्लेस। So I'm a little bit excited, a bit nervous, and my mom would have already told you about these things. But he is awesome, the staff is awesome. We have ordered the food. अभी food आया नहीं है, लेकिन देखते क्या special है। उन लोगों का serving style भी different है, जैसे उन्होंने बताया आपको, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। But please यार, at least अभी food के बारे में तो मैं बताऊँगी, but interior के लिए the way they have like decorated everything, you must visit this place. ओके, सो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब हमारा फूड आ जाएगा, आपको वो भी दिखा देती हूँ, द वे दे हैव सर्व्ड एंड एवरीथिंग। सो क्या क्या है आप बता दीजिए मुझे कुछ से। मैम दाल हांडी है आपकी? हाँ, दाल हांडी है वो, मिक्स वेज हो गया। ओके, मिक्स वेज, चूल्हे की रोटी है, चूल्हे की रोटी है। एंड इस वे में ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ऑसम। एंड इसके साथ ये ग्लास भी है, ये क्ले का है, हाँ मिट्टी का बना हुआ है, मतलब क्ले बोल सकती हूँ। So the serving is awesome actually. You can have a look at that. Actually recording करने में problem हो रही है with the stick and all this. लेकिन आप लोगों से share करना, मैं पहले मैं bite लेने आई हूँ, तो कैसा है आपको? मसाला पापड़, it's awesome. मैं already test कर दिया है। मम्मा मुझे एक चपाती आप सर्व कर दो। चूल्हा रोटी है। हाँ, चूल्हा रोटी ना, चपाती आदत पड़ी है चपाती। सो आप लोग देख सकते हो इसमें कितना घी है। एंड अच्छा है, वी हैव दाल। एंड सर्विंग देख रहे हो ना वो कैसा है? सिरका ऑनियन, उसको बनती है सिरका ऑनियन। ओके, बहुत अच्छा लगता है ये। ऑसम है यार, मतलब यू मस्ट विजिट दिस प्लेस अगर आप नॉर्थ में आते हैं तो। एकदम घर का फीलिंग आ रहा है, बट होम का फूड नहीं है, बट लाइक रियली ऑसम। आई एम गोना एंजॉय दिस वन एंड इवन दे हैव स्टार्टेड। सी मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ, आप लोग से बाद में मिलते हैं।